तो गाइस देखो, ये मिल गई हमें अपनी बहन संगम और उसका लाला। हमारी ताई आई है, हमारी मौसी आई है। ले ले, एक काम करियो, यूट्यूब चलिए हमें ताई अभी देखते हैं। पढ़ी लिखे लो, आज पता चल जाएगी। भैया भाई, ओल ले भाई, भैया भाई, ये देखो भाई, ये कानों के ये सैंपल चुकती देख लो भाई, ये ड्राई फ्रूट सारे, ये भांजे जी के खिलौने। रंजन क्या कर रही है बेटा? ये गाड़ी ले लो बेटा। हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, ब्लॉग है आज है कुछ छोटा सा है, पर मैं आपको बताऊंगा पर भाई क्या है ब्लॉग। भाई जो मेरा दूसरा भांजा राजा हुआ था, तो उनके अब अभी सिस्टर के घर जाएंगे। जो मम्मी ने सामान दिया है उनको मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ दी है। पहले वाले भांजे राजा के में थोड़ा ज़्यादा दिया था छोटे, अब दूसरे वाले में थोड़ा कम दे रहे हैं। तो गाइस, मैं एक बार आपको पूरी चीज़ क्लियरली दिखा देता हूँ सारी चीज़। ये देखो भाई, ये कानों के ये सैंपल चुकती देख लो भाई, ये ड्राई फ्रूट सारे, ये भांजे जी के खिलौने हैं सारे, देख रहे होंगे भाई आप। और ये कपड़े है भाई, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, देवर कुवारे देवरानी सभी के भाई इनमें। ठीक है भाई, बढ़िया है, अपनी श्रद्धा जो भी हो, अपनी इच्छा से कोई कुछ भी दो। हर चीज़ भाई दिखानी चाहिए कि हमारी परंपरा कैसी होती है, कैसे बनाते हैं हम। लग रहा मम्मी ने पूरी दुकान खोल दी खिलौने की कपड़ों की। अच्छा, चुट्टी लाला के हाथ पावन के खड़े, लाली के कपड़े, बाकी उनके और लाला के खेल खिलौने, बाकी सब भाई देखो सब कुछ मम्मी ने देखो सारा कुछ दिया है। इसमें लड़की बहन के कपड़े भी है, ननंद के, भाई साहब के, हमारे देखो भाई सूट वूट सब देख लो। ये हमारे परंपरा होती है भाई, देखो जब कुछ खुशी खबरी घर में आती है लड़के लड़की जब, तो जब दिया जाता है वो अपनी खुशी से देते हैं भाई, कोई वो नहीं है भाई कि ये देना ही है, अपनी जो इच्छा होगी। और हमारे भांजे राजा के खिलौने हैं, पर भाई बड़े वाले भांजे राजा को मम्मी तूने ज़्यादा दिया था उसे। बड़े वाले की साइकिल भी हैगी, गाड़ी भी हैगी, पालना भी हैगा, अलमारी भी हैगी, वहाँ संगम ने सबको मना कर दिया। क्यों मम्मी इसे इतना क्यों दे रही? क्या क्या दिया था तूने बड़े वाले को? बड़े वाले को सब दिया, गाड़ी, साइकिल, पालना और अलमारी। तो इसको तो नहीं दिख रही छोटे वाले को? तो मम्मी गलत है, नॉन साफ है, देख बराबर दोनों भांजे राजा होने चाहिए। अब संगम को बढ़ गए एक सवा तोले के कानन के हो गए ना, आपका पूरा होगा। अच्छा, एक सवा तोले के ये कानन के हैं, कानन के हैं। और क्या कहते हैं, चुप्पी सैंपल सास के, नंदन के देख लो भाई, ये हमारे गुजर, ये हमारे गुजरों में भाई देख लो। 5 किलो घी है, 5 किलो बूरा, क्या बात है, मौज कर दी मम्मी। नाइके के में जाएंगे। ठीक है गाइस, तो भाई यही था छोटा ब्लॉग। मम्मी गई थी बेटा, वीडियो दिखा दे जो आ नहीं पाई मेरी मम्मी की बहन जो भी, तो घर बैठ के देख सकती है। और आगे की वीडियो आपको दिखाएंगे जब सिस्टर के घर जाएंगे, वहाँ देखते क्या माहौल है, तो बने रहना ब्लॉग पर। देख लो भाई देख लो, आज चश्मे दिख रहे हैं, चश्मे के बहुत मीठो खा हुआ है भाई। ताई कुछ कहना चाहो? ओ अपना फोन चमका रही है, हमारी ताई आई है, हमारी मौसी आई है, फोन चला ना हमें ना। ले ले, एक काम करियो, यूट्यूब चलिए हमें ताई अभी देखते हैं, पढ़ी लिखे लो, आज पता चल जाएगी। और देख लो भैया आवे भाई, ओल ले भाई, भैया आवे भाई, फोन चलाना, मौसी व्हाट्सएप भी चला सके। ओ ये देखा सास बहू की लड़ाई, मौसी तो आवे फोन चला, मम्मी तो ना आवे भाई। पापा कैसे टेंशन से पड़े हो, के ले हो गए? ओ बेटे रंजल, क्या हो रहा है भाई? हमारी दादी आई है, देख लो ऐसे दोस्तों,
देख भाई वीडियो को हमारा देख कर तैयार हो रही है, देख ले रंजन क्या कर रही है बेटा। ये गाड़ी ले लो बेटा, कौन मारता है बेटा, तो गाइस हो गए सब रेडी, अब जा रहे हैं भाई बहन के घर, तो अब पूरी वीडियो आपको वहाँ की मिलेगी, जा रहे सामान देने जा रहे हैं, तो बने रहना भाई ब्लॉग पर। तो गाइस ये रही हमारी कार, तो भाई चलते हैं। तो गाइस अभी आया हूँ मैं इधर भाई, ये बंद का घर वाले लड्डू वड्डू ले लेते भाई यहाँ से, बूंदी कर रहे। तो गाइस अभी मैं अग्रवाल पे हूँ ये बंद पे, तो फिर चलते हैं भाई लड्डू ले लेते भाई अग्रवाल। लड्डू भाई सही से रखियो ठीक है। तो गाइस अब लड्डू लेके भाई अब चल रहे हैं, बटे रहना भाई ब्लॉक पर, कितनी ट्रैफिक होगी इधर, यू है हमारा भाई आई नहीं की हालत। तो गाइस देख रहेंगे भाई आप कैसे गाड़ी पूरी भर के लेके जा रहे हैं भाई सामान, अंतर प्रांजल देखो भाई सारी देख रहे, प्रांजल कर रही सब सामान के। हाँ सर हमारे प्रांजल कहाँ जा रहे बेटा, मैं तो नन्नू के घर, नन्नू के घर क्या लेके जा रहे, खजौना लेके जा रहे नन्नू घर, सुनी थी ना नन्नू घर खजौना लेके जा रहे, प्रांजल को भी पता है कि गाड़ी में खजाना है। चल भाई बढ़िया है, बच्ची में दिमाग तेज है होना चाहिए। तो अभी भाई हम सत्ती माता से आगे निकल गए, तो अब थोड़ी देर में आपको फतेहपुर मिलेंगे, फतेहपुर असोला, असोला गांव में भाई सिस्टर का घर, वहीं जा रहे हैं हम, नीरज पेप्सू जहाँ का भाई हमारा दिल्ली का फेमस नीरज पेप्सू भाई का नाम है, उनके गांव में जा रहे हैं भाई। हमारे यहाँ से मुश्किल से भाई 10-15 किलोमीटर है भाई, तो भाई यहाँ से आई नगर से पास में पड़ता है। ये हमारे दीपक बड़े भाई देख लो भाई, आज ये लेके आए गाड़ी, कल का भाई प्लान है, कल भी जा सकते हैं, कल का ब्लॉग भी जल्दी आ सकता है आपके लिए, कोशिश यही है हमारी आपको जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे ब्लॉग मिलते रहे। ये देखो भाई, भाई मज़ा भाई तो कितनी गाड़ी चला ली, पर इससे अच्छी गाड़ी मुझे भाई कोई नहीं लगी, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो जैसे मुझे भाई कहीं नहीं है, कितनी भी गाड़ी चला लो भाई पर्सनैलिटी भी अच्छी लगती है इस गाड़ी में, और भाई चलाने में मज़ा आता है। कुछ बोलेगी प्रांजल, बता भाई क्या बोलेगी, जीप नहीं दिखाना बेटा, ये बता खजाना क्या क्या लेके जा रही है, बस गाड़ी लेके जा रही है सोना, सब कुछ लेके जा रही है, कपड़ा गाड़ी बाबू के लिए ना। तो गाइस ये फतेहपुर का चंदन उले वाला रास्ता है भाई, ये जो बांध रोड बोलते इसे, देखो भाई रोड में बहुत ही अच्छा रोड बना दिया है, एक टाइम पे भाई यहाँ पर सिंगल रास्ता था ये पूरा टूटा फूटा, भाई गाड़ी चलाने में मज़ा नहीं आता था, एक्सीडेंट बहुत होते थे, तो 2 मिनट के अंदर ही पार हो जाता। तो भाई अब लग रहा है कि भाई कहीं अच्छी जगह आ गए, जैसे जिस तरह से रोड को देख रहे हैं हम इधर भाई, आप भी देख लो भाई ये बहुत ज्यादा मतलब यहाँ प्रोग्रेस हो चुका है, इसके जितने भी है ना दोनों साइड फार्म हाउस है, कुछ एक्टरों के भी भाई, हाँ यहाँ पर भाई एक्टरों के मिल जाएंगे, और एक तक बिजनेसमैन वालों बिजनेसमैन के यहाँ पर फार्म हाउस मिलेंगे आपको। ये गांव है असोला फतेहपुर भाई, ये असोला में अभी हम, तो गाइस देख लो फतेहपुर गांव पूरा। तो गाइस ये आ गया हमारी सिस्टर का घर, देखो भाई ये घर है, यहाँ से स्टार्ट हो गया घर सिस्टर का पूरा, ये देख लो भाई घर पूरा। तो हम पहुंच गए घर अपने सिस्टर के, फाइनली हम पहुंच गए बहन के घर। तो गाइस देखो ये मिल गई हमें अपनी बहन संगम और उसका लाला, एक तवर सेठ बाहर घूम रहे, एक ये रे भाई प्रांजल को, प्रांजल प्रांजल आजा भाई, तो मिल ले, यस कब आया भाई तू, अभी आयो क्या, ये हमारे टिम्मी 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 दी नौमी टिम्मी है कौन, अच्छा मैं सारा नाम अजीब से रख दिया भाई, ये ध्रुव है देख लो, ये हमारी दीदी की ननंद है ना भाई, इनके मजा आ रहे, प्रांजल की डॉगी बन रही है, और ये क्या एलिफेंट, एलिफेंट एक डॉगी बन रहा है, बहनी तो करो मैं चलता हूँ, दोनों बहन भाई एक साथ मिल गए, अब देखो कैसे खेल रहे निकुंज और प्रांजल, प्रांजल भाई मिल गया आपको निकुंज, नहीं
लड़ना नहीं, आराम से खेले से गले मिल रहे दोनों बहन भाई, बहुत दिनों बाद मिले। पप्पी वप्पी ले लो लेने तो चलो चलो भाई चलो। और बेटे चलो भाई सोनू आओ बेटे बेटा, तू लड़का तो लड़की लग रही है। अच्छा लड़की और लड़का लग रहा है क्यों? ये सब कान पे काम हो रहा है। चलो भाई चल भाई निकुन जा रहे हम, चल ना ना। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं फतेहपुर से, दीदी के घर से निकल गए भाई फतेहपुर गांव में वैसे तो हम। तो भाई एंजॉय करा खूब प्रांजल ने निकुंज के साथ, और टाइम भी ज़्यादा हो रहा है 10:30 हो रहे हैं। तो गाइस अब घर ही मिलते हैं आपको, घर जाके दिखाते हैं। तो बस